नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। अब तो कोरोना का थोड़ा थोड़ा डर हट गया है और नए साल की नई शुभकामनाएं आपको देता हूँ। ये मेरा वीडियो नए साल के दिन पहले ही दिन शुरू होगा, तो नए साल के लिए 2021 का 2020 और 2021 एक साल का फर्क, लेकिन उस एक साल में बहुत कुछ बदल गया। 2020 को कोई याद नहीं करना चाहता। दोस्तों, कुछ ऐसी ही यादें होती है हमारे पास भी जो हम याद नहीं करना चाहते, लेकिन बुरे बुरे सपने के जैसे उसे भूल जाना चाहिए। तो दोस्तों, 2021 का पहला दिन है और ये मेरा पहला वीडियो है, तो दोस्त लोग आप लोग ये देखेंगे और जैसे ही पहले प्यार दिया है वैसा ही प्यार दीजिएगा। मेरी चैनल रंगीन राहे को इतना ही प्यार दीजिए, इतना ही सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए रोज नए नए वीडियोस लाता हूँ। रोज सुबह मैं 9 बजे तो अपना वीडियो डाल ही देता हूँ, ट्राई करता हूँ कि रोज के रोज हो जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो है मैं कुछ बहुत से लोगों ने मुझे पूछा भी है और ईमेल भी किए हैं कि डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी चाहिए, और हम लोग कभी कभी अटक जाते हैं डायलॉग डिलीवरी में, तो उसमें मीनिंग भी चेंज हो जाता है, तो उसकी कुछ एक्सरसाइजेस या टिप्स बताइए हमें। तो मैं आज का वीडियो इसीलिए बना रहा हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है कि हम जब ऑडिशंस के लिए जाते हैं तो हम लोग ठीक से डायलॉग बोल नहीं पाते, या तो फिर एटमोसफेयर की वजह से, या तो फिर कुछ मूड की वजह से, या कुछ डर जाते हैं, या किसी किसी को कैमरे का भी डर होता है और कुछ भाग दौड़ में होते हैं तो कुछ सही तरीके से डायलॉग बोल नहीं पाते। तो सही तरीके से डायलॉग बोल नहीं पाते तो उसका मीनिंग कुछ नहीं रह जाता है। डायलॉग का जो मीनिंग है, जो मतलब है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो सब अच्छा आना चाहिए। तो उसके लिए मैं आज कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा। तो दोस्तों, जब भी आप ऑडिशंस में जाए उससे पहले अगर आप रोज ये प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से डायलॉग भी बोल पाओगे और एक एक वर्ड सामने वाले को पता चलना चाहिए। फास्ट मत बोलिए कि चलो बोले और भाग गए, ऐसा नहीं। हमें कैमरा के सामने आने मिला है, जितना वक्त मिला है उसी वक्त में हमें अपना सब कुछ दिखाना है, और डायलॉग्स भी ऐसे बोलने हैं कि सामने वाले को भी मालूम पड़े। एकदम फास्ट भी नहीं, एकदम स्लो भी नहीं, धीरे से बोलिए। धीरे से यानी स्लो स्पीड में मत बोलिए। तो डायलॉग्स के लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा। सबसे पहले तो आपके पास पेन होगी, पेन होगी, उससे डायलॉग्स एक डायलॉग्स ले लीजिए, कोई भी डायलॉग्स ले लीजिए अपना रोज जो हम लोग बोलते हैं, या कॉमन डायलॉग, या गुस्से में हो, जैसे भी हो। तो ये पेन ऐसे मुंह में रखिए, मुंह में रख के फिर वो डायलॉग्स बोलिए। जैसे कि मैं बोलूंगा, जैसे कि वहां मुझे वहां जाना है, तो ये सामने वाले को पता चलना चाहिए कि मैं मुझे वहां जाना ये बोल रहा है। तो वो क्लियर नहीं हुआ तो वो क्लियर होने के लिए मुंह में पेंसिल रखिए, वहां मुझे वहां जाना है। दूसरे में थोड़ा सा क्लियर हुआ, ऐसे तीसरे चौथे में जब बोलते जाओगे तो आप क्लियर बोल पाओगे। ये मुंह में रखने का मतलब ये हुआ कि आप जोर से जैसे बोलते वहां मुझे वहां जाना, ऐसे नहीं, वहां मुझे वहां जाना है। एक एक वर्ड्स पे आप अगर ध्यान दोगे तो हर वर्ड का कुछ मीनिंग है, तो उस वर्ड से अलग मत होइए, धीरे धीरे बोलिए तो सामने वाले को भी प्रेजेंटेशन में अच्छा लगेगा। देखिए, एकदम फास्ट कोई बोल दिया, हाँ मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, उसका सामने वाला सोचेगा कि ये क्या बोल रहा है। तो ये रखने से आप प्रैक्टिस रोज करोगे, डायलॉग्स रोज बोलिए, अपना नाम बोलिए, सब कुछ कीजिए। तो पेन रखने से क्या होगा कि आपके बीच में एक एक वर्ड्स के बीच में रुकावट आएगी, एक एक वर्ड्स आप खुला बोल पाएंगे। दोस्तों, दूसरी एक्सरसाइज है हिंदी वर्ड्स की जो वर्णमाला है, वर्णमाला यानी क ख ग घ छ छ ज ज ज जो भी है, उसका अगर आपको कैलेंडर मिले तो वो लेके आइए, या तो छोटे बच्चों की बुक में ये होता है कि क ख ग घ आप बोलिए, उसका शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी वो आपको मैं दिखा दूंगा ऊपर आई बटन पे, कि डिक्शन कैसे होना चाहिए। डिक्शन यानी क्या, सामने वाले को उसका असर होना चाहिए, एक वर्ड है उसी का असर होना चाहिए, कोई भी श और स में भी फर्क मालूम पड़ना चाहिए। तो
प्रडिक्शन अच्छा कीजिए, वो आई बटन से जो वो भी वीडियो देख लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आप क्लियर बोल पाओगे, क्लियर बोल पाओगे, स्लोली बोल पाओगे, वही फ्लो में बोल पाओगे, जो डायलॉग की जरूरत है वही फ्लो में अगर आप बोल पाओगे, क्या बात है, आपके जैसा कोई डायलॉग बोलने वाला नहीं मिलेगा, एक स्टाइल बन जाएगी। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, वर्णमाला लीजिए, उसमें से सभी वर्ड क ख घ जो भी है, घ ह घ, ये जो वर्ड है वो बोलने चाहिए। आपके पास अगर उर्दू की कोई किताब है तो वो भी बोलिएगा, उससे क्या होगा कि उर्दू की जुबान पे आपका पकड़ आएगी, और उर्दू वर्ड कभी आ जाते हैं तो उर्दू भी बोल सकते हो। पर इंग्लिश वर्ड भी, इंग्लिश श, इंग्लिश बहुत से लोग स बोलते हैं, तो श बहुत मामूली सा फर्क है, लेकिन ये सामने वाले को तुरंत पता चल जाता है। तो डायरेक्टर जो भी होगा उसे तो क्लियर चाहिए, क्लियर टोन चाहिए, क्लियर वर्ड बोलिएगा। और उसके बाद है, कोई भी एक डायलॉग ले लीजिए और अपने कैमरे के सामने एक वीक तक रोज बोलिए, सुबह शाम जब भी उठते चलते बोलिए, वही फ्लो में बोलिए। डायलॉग का क्या फ्लो है वो देखिए, गुस्से में है तो गुस्से से, प्यार से है तो प्यार से, और कहाँ कहाँ पे पॉज लेना है वहां पे आप लाइन कर दीजिए, टिक मार्क कर दीजिए। डायलॉग्स भी जब आपको ऑडिशंस के डायलॉग्स मिलते हैं तो वहां पे भी आप अपने पेन से कहाँ पे फ्लो कम करना है, कहाँ पे जोर से बोलना है, कहाँ पे मुझे रुकना है, ये सब आप करोगे तो सामने वाले को उसका असर होगा, वो डायलॉग बरोबर पहुंचाने जाए पहचाने जाएंगे, और सामने वाले को उस डायलॉग की मीनिंग भी मालूम पड़ेगा और वो सही में बोला जाएगा। तो जब भी आपको डायलॉग मिले तो पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, दूसरी बार में कहाँ कहाँ पे रुकना है, कहाँ पॉज देना है, कहाँ फुल स्टॉप है, ये भी निशानी कर लीजिए, कहाँ पे ज्यादा पॉज देना है, वो निशानी अगर आप कर लोगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से डायलॉग बोल पाओगे। इसी तरह से पहला डायलॉग याद कीजिए, पहले के बाद पहला और दूसरा दोनों डायलॉग याद कीजिए, पहला दूसरा तीसरा तीनों साथ में डायलॉग याद कीजिए। ऐसे आप करोगे तो बड़े बड़े कितने भी बड़े डायलॉग्स हो तुरंत याद हो जाएंगे, और फ्लो में अगर आप रखोगे कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे पॉज देना है, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पहला डायलॉग पहली बार, दूसरा डायलॉग पहले पहला और दूसरा डायलॉग, तीसरी बार पहला दूसरा तीसरा, पूरी कहानी आपको याद हो जाएगी, पूरे डायलॉग्स याद हो जाएंगे, पूरे फ्लो याद हो जाएगा। तो लेकिन उसमें पॉज याद रखोगे तो बहुत अच्छा याद हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं डायलॉग्स याद करना, चुटकियों में हो जाएगा। उसके बाद होगा धीरे धीरे से हर वर्ड को पकड़ के आप डायलॉग बोलिए, माँ मुझे वहां जाना है, माँ मुझे वहां जाना। हर डायलॉग का मीनिंग अलग हो जाएगा, कहां पे पॉज देते हो, कहां पे रुकते हो, माँ मुझे वहां जाना है, इससे भी अलग मीनिंग हो जाएगा, माँ मुझे वहां जाना है, माँ मुझे वहां जाना है। तो ये कहां कहां पे आप पॉज देते हो उससे डायलॉग का मीनिंग भी अलग हो जाता है, डायलॉग्स भी चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस शुरू कीजिए, डायलॉग्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑडिशन में जाओगे तो डायलॉग तो आपको मिलने ही है, अगर डायलॉग आप अच्छे बोलोगे तो आपका कैरेक्टर पक्का हो जाएगा, आप काम कर पाओगे। तो डायलॉग्स को आप तो हमेशा के लिए रहेंगे, अगर आप आर्टिस्ट बनने आए हो तो डायलॉग्स आपके साथ है, डायलॉग्स तो आपके मुंह से बहते हुए ऐसे निकलेंगे कि आप कभी ऐसा हो जाएगा कि यह वो आर्टिस्ट का फ्लो देखिए, राजेश खन्ना जी को याद कीजिए, क्या डायलॉग बोलते थे, प्यार से बोलते थे, जहां पे रुकना, क्योंकि उन्होंने स्टेज किया था, स्टेज किया था तो उनको मालूम है कहाँ कहाँ पे पोज देना, क्योंकि स्टेज पे क्या होता है कि पहले पढ़ाया जाता है, सब लोग बैठ के डायलॉग्स बोलते हैं, तो उसमें मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पोज देना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ जोर से बोलना है, कहाँ मुझे जोर देना है, कहाँ मैं धीरे से बोलू, कहाँ मैं इमोशनली हो जाऊं, इमोशनली डायलॉग बोलू। तो ये उनको एक याद था। भांगवाड़ी थिएटर है मुंबई में, अभी भी है, तो वहां पे वो नाटक करते थे, गुजराती नाटक उन्होंने किया था, तो गुजराती नाटक का बाद में हिंदी हुआ, वही डायलॉग वो फिल्म फेयर के कॉम्पिटिशन में बोले और वहां से तो जीत गए, लेकिन वो फर्स्ट नहीं आए थे, फर्स्ट आए थे धीरज कुमार, सेकंड राजेश खन्ना आए थे, लेकिन बाद में देखिए राजेश खन्ना अपनी मेहनत से, लगन से और प्यार से जो डायलॉग बोलने का जो शुरू किया, तो उनकी जो एक स्टाइल है वो अलग है। तो दोस्तों सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है, देवानंद साहब की स्टाइल देखिए, उनकी भी अपनी स्टाइल है, वो स्टाइल में अगर बोले तो उनकी स्टाइल में शायद वो गेगरी पैक इंग्लिश आर्टिस्ट थे, उनसे बहुत प्रभावित थे। तो हर आर्टिस्ट को अपनी अपनी स्टाइल बन जाती है, वो डायलॉग्स फिर वो डायलॉग से याद किया जाता है, जैसे अमरीश पुरी एकदम गहरी आवाज से
आदमी को मालूम पड़े फिल्म देखे बिना कि ये आदमी कौन बोल रहा है, अमिताभ की आवाज, अमिताभ जी की आवाज। तो दोस्तों ये है, तो डायलॉग डिलीवरी बहुत ही जरूरी है, तो डायलॉग्स की प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, डिक्शन क्लियर रखिए। तो दोस्तों मुझे लगता नहीं कि आप कहीं भी रुक जाओ। और ये जो बड़ी मंजिल दिखती है ना, अरे बाप रे बहुत ऑडिशन दिया, ये दिया ना पास, कोई बोलेगा नहीं कि आप ऑडिशन देते और पास नहीं होते, किसने पास नहीं किया ऐसे पूछें, क्योंकि आप इतना अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलते हो, इतने अच्छे डिक्शन है, इतने क्लियर बोलते हो, इतने अच्छे डायलॉग्स बोलते हो, तो किसी की ताकत नहीं कि आपको रोक सके, आपको आर्टिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ, आज 2021 का पहला दिन है, पहली तारीख है, मैं आप सबको शुभ आशीर्वाद देता हूँ और अच्छी न्यूज सुनने के लिए तैयार रहूंगा। तो दोस्तों 2021 आपका अच्छा जाए, बहुत ही अच्छा जाए, और आप कुछ बन जाए, यही मेरी शुभकामना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू।